के बाद स्वागत आपका। चले बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बहादुरगढ़ के वार्ड नंबर 30 से निर्विरोध पार्षद चुनी गई नीता सतपाल राठी का उमेक सिटी के राम मंदिर पहुंचने पर यहां के निवासियों ने स्वागत किया। इस मौके पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में महिला बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान भी मौजूद रही। इस दौरान नीना सतपाल राठी ने सुमित्रा चौहान का स्वागत किया और नीना सतपाल राठी ने कहा कि ये सब आपके प्यार और सम्मान के कारण ही संभव हो पाया। बहादुरगढ़ के 31 वार्ड में केवल वार्ड नंबर 30 ऐसा है जहाँ पर लोगों ने निर्विरोध उन्हें पार्षद चुना है। इसके लिए वो सभी वार्ड वासियों का तहे दिल से आभार जताती हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 30 का विकास लगातार भविष्य में इसी तरह से वो आगे करती रहेंगी। आज मैं जिला अध्यक्ष नीना राठी और मेरी छोटी बहन के न्योते पर यहाँ आई हूँ। ओमेक्स के लोगों का प्यार देखकर नीना के प्रति गदगद हूँ। जिस तरीके से यहाँ की जनता ने बहादुरगढ़ की ने प्यार दिया है, नॉमिनेट उसको चुना है और आगे भी तत्पर खड़ी है, तो एक दिन आएगा। आज मैं शुभकामनाएं और धन्यवाद ओमेक्स के लोगों का करने के लिए आई हूँ। जो नारी शक्ति है तो निश्चित तौर पे महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीब के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए नीना तो हमेशा तत्पर रहती है। एक अंदर ज्वाला है जो समाज सेवा में लगाना चाहती है, करना चाहती है। इस बात के लिए आज मैं ओमेक्स सिटी के लोगों का और इस मंदिर के प्रांगण में खड़ी हूँ। भगवान श्री राम से प्रार्थना करती हूँ कि विजयश्री भारतीय जनता पार्टी को मिले। सरोज राठी जी की भी विजयश्री हो, उसके लिए मैं निवेदन करने के लिए। यहाँ राम मंदिर सेवा समिति ने एक हमारे सम्मान का प्रोग्राम रखा था। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने सम्मान दिए, इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत सारी यहाँ कामों की सूची इतनी लंबी है। लोग यहाँ एक टाउनशिप में होते हुए भी बेसिक नीड से बहुत ज़्यादा उसको पाने के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने पार्षद के रूप में मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है। इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ बनती है और सरोज राठी चेयरमैन के पद पर यहाँ आती है नगर परिषद में, तो सबसे पहले मेरी जो प्राथमिकता रहेगी वो ओमेक्स की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए। उनका नाले की समस्या है, थोड़ा सा पानी आता है तो बारिश आती है तो नाले भर जाते हैं, सीवर की प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं, पीने के पानी की जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उससे लोग यहाँ जूझ रहे हैं। तो मेरी प्राथमिकता ओमेक्स सिटी को वो सभी सुविधाएं मुहैया करवाना जिनके लिए आज वो परेशान है, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। नगर